हेलो नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समय झारखंड में मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी और एक बार फिर से बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत झारखंड में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस जिले, गांव, शहर में रहते हैं झारखंड के। तो झारखंड में गर्मी ने दस्तक दे चुकी है और यहां पर दोस्तों बदलाव जारी है। कई जगहों पर बरसात के बाद मौसम में बदलाव आया है। अब मौसम विभाग की माने तो तापमान में उतार चढ़ाव जारी और मौसम मिला जुला भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कई जगहों पर बादलों की वजह के साथ लोगों को अधिक गर्मी का एहसास हो रहा है। 10 से 12 मार्च तक राज्य का मौसम साफ रहेगा। इसी दौरान दिन के समय धूप रहेगी जिससे लोगों को अधिक गर्मी का एहसास होगा, जबकि 12 से लेकर 15 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। और तापमान की बात करें तो आने वाले दिनों में राज्य का अधिकतम तापमान 32 डिग्री पहुंच जाएगा, वहीं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। राजधानी रांची की बात की जाए तो 12 मार्च तक मौसम साफ रहेगा, जबकि 13 से 15 मार्च तक राजधानी यहां पर जो है ना रांची समेत आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में जो है ना अब तक बताया जा रहा है कि अनेक इलाकों पर बदलाव हुआ है और आने वाले दिनों में भी मौसम बदलेगा। 13 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में बरसात हो सकती है। इसमें दक्षिणी निकटवर्ती भाग शामिल है जिसमें सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग, बोकारो जिले शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार 13 मार्च को इन जिलों में बारिश के साथ वज्रपात के समान है। इसके बाद अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी जो कि 3 डिग्री तक होगी। 13 मार्च तक राज्य के औसत अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग झारखंड के मुताबिक राज्य में जो है ना मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी। IMD की माने तो यहाँ पर 14 मार्च के दौरान पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर बरसात होगी और यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो देश के विभिन्न राज्यों में होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, झारखंड, केरल समेत आंध्र प्रदेश समेत 11 से 14 मार्च के बीच में बरसात होते हुए नजर आ सकती है। ऐसे में झारखंड के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहां पर आंशिक रूप से बादल है, मेघ गर्जना के साथ वज्रपात के साथ उतार चढ़ाव भी जारी है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के मौसम के मिजाज पर नजर डाले तो कुछ जगहों पर हल्की बरसात दर्ज की गई। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में 8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है यहां पर अधिक बरसात दर्ज की गई। राज्य का बढ़ता तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आंकड़े के पार कर गया और मौसम विभाग की माने तो तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन देखा जा रहा है। झारखंड में 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं, इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तापमान में देखने को मिल सकती है। बिहार के मौसम में हाल ही में झारखंड की तरफ से यहां पर तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अधिकतम 28 और 30 डिग्री के आसपास रह रहा है। मौसम विभाग की माने तो 12 मार्च तक आमतौर पर पूरे जो है झारखंड का मौसम कई जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ रहेगा तो कई जगहों पर मौसम साफ भी देखने को मिल सकता है। मौसम की मिजाज में दोस्तों बदलाव कल रात से और यहां पर दक्षिण पूर्व निकटवर्ती भागों में मौसम बदल रहा है। धनबाद, बोकारो, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग जिले शामिल है और इन जिलों में दोस्तों बरसात के साथ मौसम बदल सकता है। चढ़ाव जारी और तापमान अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार बरसात होने के बाद दोस्तों तापमान मिला जुला रहेगा, उसके बाद बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा जगहों पर गर्मी का एहसास होने लग जाएगा 15 तारीख के बाद। वही दोस्तों मौसम बदलाव के साथ उतार चढ़ाव भी जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन भी है, मौसम ठंडा सुहाना भी है, उतार चढ़ाव भी जारी और बादलों की वजह के साथ अधिकतम न्यूनतम तापमान में भी मिला जुला है। बोकारो, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला समेत आसपास के इलाकों का मौसम बदल रहा है। वहीं लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा समेत आसपास के इलाकों पर परिवर्तन है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी निकटवर्ती भागों में कहीं कहीं पर मौसम में बदलाव के साथ मेघ गर्जना होगी 14 तारीख के आसपास। इसका असर सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, धनबाद, जामताड़ा आदि जिलों पर पड़ने की आसार। आप किस जिले, गांव, शहर में रहते झारखंड के कमेंट करके जरूर बताना। हलचल के साथ झारखंड में मौसम मिला जुला रिकॉर्ड किया जा रहा है। उतार चढ़ाव भी जारी है। पिछले 24 घंटों में बढ़िया धूप खिल रही, हालांकि तेज हवाओं के चलते लोगों को कनकनी जो है महसूस हुई है। रांची मौसम विभाग की माने तो रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में हल्की बूंदाबूंदी के साथ मौसम रिकॉर्ड किया गया और बदलाव भी देखने को मिला। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ मौसम में बदलाव आया और उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। लोहरदगा, लातेहार समेत ज्यादातर इलाकों पर मौसम साफ सुहाना और उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप किस जिले, गांव, शहर में रहते हैं झारखंड के और आपके यहाँ पर पिछले 2 दिनों के दौरान बरसात की गतिविधियां देखने को मिली कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। एक एक जिले की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोहरदगा में 13-14 रात के समय तो दिन के समय 26 के आसपास तापमान रहेगा। ज्यादातर इलाकों पर मौसम साफ सोना, उतार चढ़ाव जारी है। लातेहार में 13-14 रात के समय दिन में 26 के आसपास तापमान रहेगा। मौसम साफ सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा। यहाँ पर कोडरमा में 14-15-16 रात के समय तो दिन में 25 के आसपास तापमान रहेगा।
बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे खूंटी का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और मौसम साफ सोना भी देखने को मिल सकता है। साथ में यहाँ पर दोस्तों जामताड़ा में जो ना मौसम में बदलाव 17-18 रात के समय तो दिन में 28 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना रहेगा और मौसम मिला जुला भी रह सकता है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर पूरे के पूरे हजारीबाग का मौसम बदल रहा है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी है, ज्यादातर इलाकों पर मौसम ठंडा सोना भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर पूरे के पूरे गुमला का मौसम बदल रहा है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रिकॉर्ड किया जा रहा है, उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर गोड्डा का मौसम बदल रहा है, उतार चढ़ाव जारी, मौसम साफ सोना है, गिरिडीह में 16-17 रात के समय दिन में 27 के आसपास तापमान है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना रहेगा और बादलों की वजह के साथ उतार चढ़ाव होता रहेगा। वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर ज्यादातर इलाकों पर गढ़वा में मौसम साफ सोना और ठंडा सोना रिकॉर्ड किया जा रहा है, उतार चढ़ाव भी जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रिकॉर्ड किया जा रहा है और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी अधिक से अधिक जगहों पर होते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ पूर्वी सिंहभूम में 20-21 रात के समय दिन में 32 के आसपास तापमान है, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा और अधिक से अधिक जगहों पर परिवर्तन होते हुए नजर आ सकता है और मौसम में ठंडक भी होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे मौसम विभाग की मान तो दुमका का मौसम बदल रहा है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रह सकता है और बादलों की वजह के साथ बदलाव भी जरूर होगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे धनबाद में 17-18 रात के समय तो दिन में 28-29 के करीब तापमान रहेगा, मौसम साफ सोना रहेगा, उतार चढ़ाव भी जारी है और ज्यादातर इलाकों पर ठंडा सोना देखने को मिल सकता है। देवघर की बात करें तो देवघर में 16-17-18 रात के समय तो दिन के समय जो ना मौसम में ठंडक रहेगा, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव भी जारी और बादलों की वजह के साथ अधिक से अधिक ठंडा और सोना मौसम देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे बोकारो में 17-18 रात के समय तो दिन के समय जो ना मौसम में ठंडक के उतार चढ़ाव जारी है, बादलों की वजह के साथ 30 के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है और ठंडा सोना अधिक से अधिक जगहों पर रहने के साथ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। चतरा में 13-14 रात के समय तो दिन में 24 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रह सकता है और अधिक से अधिक जगहों पर परिवर्तन होने के साथ बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिमडेगा में 18-19-20 रात के समय तो दिन के समय जो ना 31 के आसपास तापमान रहेगा, मौसम साफ सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी है और ज्यादातर इलाकों पर मौसम ठंडा और सोना रहने के आसार भी जताए जा रहे बादलों की वजह के साथ। वही दोस्तों यहाँ पर खरसावां की बात करें तो रात के समय 18-19 तो दिन के समय 30-31 के करीब तापमान है, ज्यादातर इलाकों पर मौसम साफ और सोना रहेगा और लगभग एक सप्ताह तक दोस्तों तापमान 30-31 के करीब भी देखने को मिलेगा, उसके बाद बादल छाए रह सकते हैं और एक सप्ताह के बाद दोस्तों मौसम में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, तब तक मौसम ठंडा सोना और बदला सा रिकॉर्ड किया जाएगा। सरायकेला में 19-20 रात के समय तो दिन के समय जो ना 30-31 के करीब तापमान रहेगा, यहाँ पर कुछ इलाकों पर हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिल सकती है लेकिन ज्यादातर इलाकों पर मौसम अधिक से अधिक जगहों पर ठंडा और सोना रिकॉर्ड किया जा रहा है, बादलों की वजह के साथ मौसम मिला जुला भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो ना साहिबगंज में 16-17 रात के समय तो दिन में 27 के आसपास तापमान है, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा, अधिक से अधिक जगहों पर परिवर्तन होने के साथ बदलाव होगा और बादलों की वजह